से फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि जो जो होगा 1500 को डिवाइडेड बाय 14 कर लेंगे, समथिंग 107 इससे आता है, सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हार्ट रेट होगा। अगर अब हम नॉर्मल की इस ईसीजी में अगर हम बात करें कि हार्ट रेट कितना है, तो आप देख सकते हैं कि हमने स्मॉल बॉक्सेस काउंट कर ली है, वो 14 है आर टू आर, और उसको हमने 14 पे डिवाइड कर दिया, तो इसे समथिंग 105-107 आता है, सही है। अगर अब हम देख लें, हमने तो बात की है कि नॉर्मल रिदम क्या है, 60-100 बीट पर मिनट है, और ये तो 100 से ज़्यादा है, तो इस मीन इस पेशेंट को क्या है, साइनस टेकिकार्डिया है, मीन इसका हार्ट रेट क्या है, ज़्यादा है, तो हम इसको साइनस टेकिकार्डिया, मीन ये पेशेंट साइनस टेकिकार्डिया में जा रहा है, सही है। इस तरह अगर हम बात करें तो तकरीबन 30 स्मॉल बॉक्सेज इसमें आते हैं, सही है। 14 अगर एस्टिमेट लगा ले 14, तो 14 हम कहते हैं कि 1 बिग बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, सही है, स्मॉल बॉक्स होते हैं, सही है। तो बेसिकली अगर 15 हम ले लें तो हमारे पास कितने स्मॉल 15 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 3 बिग बॉक्स। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि 300 डिवाइडेड बाय 3, तो 100 समथिंग ग्रेटर देन 100, क्योंकि हम कहते हैं कि वो तो 14 है, तो ये लेस देन समथिंग 3 आएगा, तो जो हमारा पास हार्ट रेट होगा वो 100 से ग्रेटर आएगा, सही है, समथिंग 102-104। तो फिर भी अगर 100 से ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया इसको है, सही है। अगर हम अब ईसीजी में आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि ये साइनस रिदम है, क्योंकि इसमें पी वेव है, और ये जो है इक्वल आर वेव जो है वो इक्वल इंटर के टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। देखो 1 आर वेव, 2nd आर वेव, 3rd आर वेव, 4 आर वेव, 5th आर वेव, 6th आर वेव, अगर इस तरह हम देखते जाए तो ये इक्वल इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट हो रहे, तो हमारे पास रिदम क्या है, वो रेगुलर है, सही है। इस तरह हमने जो है रेट को फाइंड कर लिया। आर इंटरवल लिट्टू में हम क्या करेंगे, आर टू आर इंटरवल में जो हमारे पास बिग बॉक्स होंगे तो उसको 300 पे वो डिवाइड होगा, अगर 1500 अगर स्मॉल बॉक्सेस होगा तो उसको हम 15 रूल से फाइंड आउट करेंगे, सही है। हमने अब आते हैं कि फर्स्ट हमने हम क्या करते हैं, इसी चीज इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, एक्सिस देखते हैं और इंटरवल देखते हैं, सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब थर्ड स्टेप क्या है, एक्सिस है, सही है, एक्सिस। इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जिस तरह ईसीजी में नॉर्मली हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसको हम देखेंगे कि जल्दी से हम किस तरह ईसीजी में देख सकते हैं, सही है। एक्सिस में हम क्या देखते हैं, बेसिकली मोस्ट जो हम लीड होते हैं वो 1 और ABF, ये दो लीड हम किस एक्सिस के लिए यूज करते हैं, सही है। हम कहते हैं अगर लीड वन और ABF, इसमें आर वेव क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमारे पास नॉर्मल होगा, सही है, एक्सिस नॉर्मल होगा, सही है, इसको हम नॉर्मल एक्सिस कहते हैं, सही है। लीड वन में और ABF में अगर आर वेव दोनों पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल एक्सिस कहते हैं, सही है। अगर लीड वन में हमारे पास आर वेव पॉजिटिव है और जो हमारे पास ABF में आर वेव नेगेटिव है, तो ये हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। इसको याद करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर हम इसको दोनों को बना लें, ये इस तरह आता है, आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को लीव कर रहे हैं, लीविंग, LEAVING, सही है, लीविंग। तो इसमें L जो है आप देख रहे हैं कि दोनों से दूर जा रहे हैं, मतलब मीन लीव कर रहे हैं, तो लीविंग L, तो L मीन लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, ये इसको रिमेम्बर करने का तरीका है, सही है। इस तरह अगर हम कहते हैं कि जो लीड वन है उसमें आर वेव क्या है, वो नेगेटिव है, और जो ABF है उसमें आर वेव क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें सही है, अगर हम क्या कर दें, यस, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन है, सही है। अगर अब मैं इसको हमें बना लूं तो ये इस तरह आ रहे हैं, मीन ये आप अगर इन दोनों के पीक को देख लो तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मीन रीचिंग हो रहा है, सही है, रीचिंग। तो आर हमारे पास क्या होगा, रीचिंग, तो क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन है, सही है। अगर हम कहें कि लीड टू में लीड वन में आर वेव नेगेटिव है
और जो लेफ्ट AVF है उसमें पॉजिटिव है, तो हमारे पास कौन सा डिविएशन होगा, राइट एक्सिस डिविएशन होगा। और इसको मेमोराइज करने का फार्मूला क्या है, वो है रीचिंग, सही है। और जो इसमें होगा वो लीविंग है, लीविंग में क्या होगा कि लिड वन में हमारे पास जो आर वेव होगा वो पॉजिटिव होगा और जो AVF होगा वो नेगेटिव होगा, सही है। अगर हम कहें कि दोनों जो है दोनों क्या है नेगेटिव है, मीन आर वेव लिड वन में भी नेगेटिव है और AVF में भी नेगेटिव है, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, सही है। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है, सही है। अब हम आते हैं कि इस ECG में देखते हैं कि ये हमारे पास इसमें आए नॉर्मल एक्सिस है, राइट एक्सिस डिविएशन या कौन सी डिविएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि लिड वन और AVF में देखेंगे। अगर हम ECG स्ट्रिप लें तो ये हमारे पास क्या है, लिड वन है और ये हमारे पास AVF है, सही है AVF। तो बेसिकली इन दोनों में हम क्या देखेंगे, एक्सिस डिविएशन देखेंगे। तो आप तो इसमें देख सकते हैं कि आर वेव जो हमारे पास क्या है वो पॉजिटिव है और जो AVF है उसमें आर वेव जो है वो नेगेटिव।